सिकंदर का पढ़ाने से पहले क्या कहानी सुना दें क्या? पांच मिनट बताइए, सिकंदर के बारे में कहानी सुना दें, ये बताइए कहानी सुनने का मन है? एक चीज देखिए, एक चीज जानते हैं क्या होता है बाबू, कि आप लोग हिस्ट्री को ना रटने लगते हैं। रटना नहीं है, कहानी अगर आपको याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक ये याद कर लेंगे। अब देखिए हम आपको सुनाएंगे सिकंदर की कहानी। सिकंदर की कहानी क्या सुनाएंगे? सिकंदर की कहानी जो कि लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास जो है 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आक्रमण करेगा। ठीक, एक देश है यूनान में, ग्रीक में, जिसका नाम है मकदूनिया। ठीक है, मकदूनिया में एक शासक था जिसका नाम था फिलिप, और फिलिप के घर एक व्यक्ति पैदा लेता है, एक बच्चा पैदा लेता है जिसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, उसके मन में विश्व विजेता बनने का ख्वाब जो था वह एकदम पूरा प्रस्फुटित हो रहा था। वह चाह रहा था बचपन से कि कैसे मैं विश्व को जीत लूं। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। जब उसके गुरु उसको दर्शन शास्त्री ज्ञान, फिलॉसफी की ज्ञान दिया करते थे, और जब युद्ध की बातें उसमें आती थी तो सिकंदर के खून में एक ज्वार उमड़ पड़ता था। उसकी नसें जो थे वो फरफराने लगती थी। उसको लगता था कि कैसे मैं जाऊं और युद्ध कर लूं। फिलिप की हत्या कर दी जाती है, और फिलिप की हत्या होने के बाद जो है सिकंदर को शासक बनने का मौका मिल गया। सिकंदर शासक बना, उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसको लगा कैसे मैं विश्व को हरा दूं। निकला एक बड़ी सेना लेके, निकला विश्व विजेता बनने का ख्वाब देकर विश्व को जीतने। सिकंदर की महानता को इस बात से समझिए कि सिकंदर के नाम के आगे लगाते हैं महान। महान शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके नाम के आगे लगाते हैं महान, क्योंकि महान शब्द जो है वो सिकंदर के सामने बौना पड़ जाता है। इस लेवल का वो व्यक्ति था। तो सिकंदर निकला अपने महान सेना को लेके, अपनी बड़ी सेना को लेके विश्व विजेता बनने, और वो यूनान, मिस्र, सीरिया, इराक, माइनर एशिया, इन सब को होते हुए, अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए, सबको एकदम चकनाचूर करते हुए पहुंच गया भारत की धरती पर। ठीक, भारत की धरती पर आया। भारत के बारे में उसने सुन रखा था। आपको पता है कि भारत में उसका जो है रथ, जो विजय का रथ था, वो रुक गया। क्यों? अलग अलग कारण है इसके, इसके कारण को सुनिए। सिकंदर जब भारत आया तो उसको लगा कि मैं यार यहाँ पे चीर फाड़ करके एकदम निकल जाऊंगा, जीतते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में जैसे ही प्रवेश किया, हर जगह उसकी सेना को देख के लोग डर रहे थे, लेकिन भारत के जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहां जनजाति लोग रहते थे। कौन रहते थे? जनजाति लोग। और सिकंदर को लगा, रहे यार इन लोगों को ऐसे हरा देंगे, लेकिन जनजाति थे बड़ी स्वाभिमानी, कहा इतनी बड़ी सेना लेके तुम जाओगे हमारे देश के अंदर, उससे लोहा लेने लगे। सिकंदर को विश्वास नहीं हुआ, इतनी बड़ी सेना को देख के ये लोग जिनके पास कोई संसाधन नहीं है ये हमसे लोहा ले रहे हैं। उसके आत्मसम्मान के सामने जो है जनजातियों के कुछ भी नहीं था, और सिकंदर से वो युद्ध करते रहा, युद्ध करते रहा 20-30 दिन तक लगातार उससे युद्ध किया। सिकंदर को पानी पिला दिया, लेकिन चूंकि सिकंदर लेके चला ही था बहुत बड़ी सेना, तो बिना संसाधन के हम कितने दिन युद्ध कर पाते हैं? युद्ध नहीं कर पाए, हार गए, फिर भी जनजाति हार नहीं माने, उससे लड़ते ही रहे। आखिरकार सिकंदर कहा छोड़ो यार आगे बढ़ो, इससे लड़ते रहोगे तो इसी में सब खत्म हो जाएगा। ये लोग पता नहीं कहां से इतना स्वाभिमान ले आया है, कहां से जो है हमसे मरने आ जाता है, लेकिन ये मरेगा, लेकिन मर के ही हटेगा, ऐसे हटेगा नहीं। तो ये भारत के जनजातियों का सम्मान था। इस सम्मान के साथ उसने सिकंदर के साथ युद्ध किया। सिकंदर आता है तक्षशिला की धरती पर। तक्षशिला जहां विश्वविद्यालय है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई आगे चल के, तो तक्षशिला की धरती पे आता है तो वहां एक डरपोक शासक था जिसका नाम था अंबी। अंबी सुना सिकंदर की सेना के बारे में, इसका पानी छूटने लगा। अरे बाप, सिकंदर आ गया। गया सिकंदर के पास, अपनी जो है मुकुट उतार के रख दिया, कहा प्रभु आप ही जो है सब आप ही हैं। सिकंदर को कुछ सुकून मिला, चलो यार कम से कम ये सेना से जो लड़ रहे थे, अब कम से कम एक शासक आया जो कि हार मान लिया। अंबी हार मान लिया सिकंदर के सामने। सिकंदर का मनोबल आगे बढ़ गया। लेकिन आपको ध्यान बता दें कि एक तरफ सिकंदर जो था और सिकंदर की सेना, वो सुन रखी थी किसके बारे में? सुन रखी थी मगध के बारे में। मगध के साम्राज्य की गूंज जो थी, मगध साम्राज्य की गूंज उनके कानों में गूंज रही थी। उनको पता था मगध को जीतेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी पूरे भारत को जीतेंगे, क्योंकि मगध अपने आप में काफी शक्तिशाली था। लेकिन अभी कहां मगध था, अभी तो मगध से पहले उसको पोरस से बिरना था, भारत के महानतम शासकों में से एक पोरस, जो कि भारतीय स्वाभिमान की गाथा कहता है। पोरस से उसका मुकाबला हुआ। सिकंदर जो है सारे नदियों को पार करते हुए आया पोरस की धरती पर, झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के उस पार पोरस की सेना, और झेलम नदी के इस पार, जो झेलम नदी के इस पार सिकंदर की सेना और उस पार पोरस की सेना,
खबर भिजवाया, कहा जाओ पोरस को कह दो कि सिकंदर युद्ध करने आया, विश्व विजेता सिकंदर, अपने नाम में विश्व विजेता लगाता था। पोरस कहा जाओ सिकंदर को कह दो कि हम भारतीय शासक हैं, कोई उसके गुलाम नहीं, जिससे युद्ध करना है युद्ध करेंगे। एक तरफ जो था झेलम नदी बीच में, एक तरफ सिकंदर की सेना, दूसरे तरफ पोरस की सेना, एक तरफ हाथियों की चिंघार, दूसरे तरफ घोड़ों की टाप, युद्ध मैदान सजा हुआ था। कभी भी युद्ध हो सकता था और युद्ध हुआ भी, भारी बहुत तबाही मचा उस युद्ध में, भयंकर युद्ध हुआ। पोरस हार नहीं माना, लेकिन हुआ ये कि झेलम नदी के लगभग 20-30 मील इधर से, चूंकि हम लोग इथिकल लोग थे, हम लोग इथिक्स को फॉलो करते थे, ये लोग इथिक्स को फॉलो नहीं करता था, पीछे से आके इसके सेना पर वार कर दिया। पीछे से आके, ये है झेलम, ये है सिकंदर की सेना, ये है पोरस की सेना, इस पर पीछे से आके वार किया और इसके सेना को वो हराने लगा। फिर भी पोरस का आत्मविश्वास नहीं डगाया और उसको बहुत मार मारा, उसके पानी छुड़ा दिया, उसका उसकी सेना को कुटिया दिया धर के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पोरस का दिन खराब था, बारिश हो गई। जैसा कि आपको पता है, भारत में परंपरागत रूप से हाथी का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? हाथी का। लेकिन वो लोग घोड़ा से ज्यादा युद्ध करते थे, तो बारिश के बाद हाथी जो है वो चल ही नहीं पा रहा था, उसका पैर जो है मिट्टी में धस जा रहा था, लेकिन उसकी घोड़ा जो है वो युद्ध कर ले रहा था, उससे युद्ध आसानी से लड़ा जा रहा था। तो आखिरकार पोरस की जो है वो पराजय हो गई। पोरस क्या हो गए? पराजित हो गए। इनको बंदी बनाया गया, बंदी बना के लाया गया, कहा बुलाओ उस शासक को जो सिकंदर से युद्ध लड़ने का इतना साहस किया, बुलाओ उसको, उसका जो है हम अक्ल ठिकाने लाएंगे। पोरस को हाजिर किया गया सिकंदर के सामने। सिकंदर पूछा, बताओ पोरस, बड़ा स्वाभिमानी बनते हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करें हम। पोरस का आत्मविश्वास यहां भी नहीं डगमगाया, कहा क्या करोगे, मैक्सिमम मारोगे ना, एक जीता हुआ राजा जो एक हारे हुए राजे के साथ व्यवहार करता है, हमारे साथ तुम वैसा व्यवहार करो, हमको कोई डर नहीं है, और हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, हमको इसका कोई खेद भी नहीं है। अभी तक सिकंदर को कोई ऐसा शासक नहीं मिला था जो बंदी बनाने के बाद ये सब बात कहे, सब उसकी शरण में चला जा रहा था, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। उसके इस आत्मस्वाभिमान के चक्कर में जो है सिकंदर को लगा, नहीं यार ये तो हम अजीब देश में आ गए हैं, पहले जनजाति हमसे लड़ना शुरू कर दिया, दूसरा शासक जो है वो कह रहा है कि हमको तुम मार दो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमसे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, इस देश को जीतना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो पोरस को राज्य लौटा दिया, कहा भाई तुम हमारे भाई हो, तुम भी स्वाभिमानी हो, और हम भी एक स्वाभिमान को लेकर आगे चले, हमको विश्व विजेता बनना है। तो वो कहा तुम अपना राज्य ले लो, हमको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। पोरस को उसका राज्य देके, उसके स्वाभिमान को देखकर वह जो है आगे बढ़ा। उसके बाद ब्यास नदी आता है। क्या आता है? ब्यास नदी। ब्यास नदी के उस पार जो है गूंज गूंज रही थी मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की गूंज से जो है सिकंदर के जो सैनिक थे वो पहले ही भयत्रांत थे कि उधर जाएंगे तो मगध है बड़ी, कुटिया कुटिया का दौरा दौरा का मारेगा, यहाँ पोरसे जो है हालत खराब कर दिया। तो एक तो ये कारण था, दूसरा कारण था कि उनको अपने परिवार की याद आ रही थी, महीना दो महीना चार महीना से युद्ध करने के लिए निकले थे और उनको लग रहा था कि सिकंदर तो जीत जाएगा, हम लोग कहाँ अपने परिवार को छोड़ के जाएं, हम लोग तो इधर बहुत लोग मर गया, देखो पोरस वाले युद्ध में और कितना उधर मर जाएंगे, तो इसके चक्कर में हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे, मना कर दिया। बहुत सिकंदर प्रयास किया उसकी सेना आगे बढ़े, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ी ही नहीं और आखिरकार सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ा। तो ये कहानी थी महान पोरस की, जिसने अपने स्वाभिमान से सिकंदर को जो है उसका राज्य लौटाने पर विवश कर दिया। तो आपको कैसा लगा पोरस की कहानी, पहले तो ये बताइए।